everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Click on Reality. आज मैं सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट अपने लिए ढूंढ रहे थे. सो गुड़गांव के होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ CBS डेवलपर का न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट अशोका एस्टेट, जो कि हाल ही में सेक्टर 63A में लॉन्च हुआ था. एंड यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लग्जरी फ्लोर्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो ये प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्टर 63A में लोकेटेड है. एंड इसकी मेजर USP है इसकी लोकेशन. यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बी एट गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड और SPR रोड, सारी जगह यहाँ से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर मौजूद हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ से आपको मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. रैपिड मेट्रो स्टेशन इज हार्डली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. आपको 5 मिनट के रेडियस में मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. सो गाइज, लोकेशन इज टू गुड. उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. सो गाइज, प्रोजेक्ट का नाम है अशोका एस्टेट, जो कि CBS डेवलपर ने बनाया हुआ है. ये पूरा जो आपका टाउनशिप है, ये बेसिकली अनंत राज की टाउनशिप है, जो कि 112 एकड़ के लैंड पार्सल में है. एंड यहाँ पर CBS बिल्डर ने लैंड परचेज करके अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट 2 फेजेस में है. फेज 1 इसका ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है एंड वो नियर टू पोजेशन सेगमेंट का है. विद इन 6 मंथ्स उसका पोजेशन मिलना शुरू हो जाएगा. बट हम बात कर रहे हैं सेकेंड फेज की. सेकेंड फेज आपका 18 मंथ्स में डिलीवर हो जाएगा. एंड इसमें आपकी मेजर इन्वेंट्रीज हैं. इन्वेंट्रीज की हम बात कर लेते हैं. तो प्रोजेक्ट में आपको मिल रहे हैं लग्जरी फ्लोर्स, जिसका साइज रहेगा 179 स्क्वायर यार्ड, 1665 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया के साथ यहाँ पर आपको लग्जरी फ्लोर्स मिल रहे हैं. फ्लोर्स की हम बात करें तो ये आपके G+4 एंड S+4 के कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे. यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर स्टिल्ट के साथ आ जाते हैं, कुछ आपके बेसमेंट के साथ रहेंगे, बट उनकी प्राइसिंग आपकी डिफरेंट रहेगी. फिलहाल सेल के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 फ्लोर्स तक ही इन्वेंट्रीज ओपन है. टोटल में फ्लोर्स की यहाँ पर बात करूँ तो उसका नंबर रहेगा अप्रॉक्स 100 फ्लोर्स. फर्स्ट फेज में आपके अराउंड 80 फ्लोर्स थे, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं. हार्डली इसमें से 2 से 3 इन्वेंट्रीज ही बची हुई हैं. अब बात कर लेते हैं यहाँ की अमेनिटीज़ के बारे में. तो इस सोसाइटी में आपको सारी लग्जरी अमेनिटीज मिलेंगी. सबसे पहले बात करते हैं क्लब हाउस की. तो यहाँ पर क्लब हाउस आपका अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर आपको अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज मिलेंगी, लाइक स्पा, सोना, रेस्टोरेंट, जकूजी, बार एरिया, कैफेटेरिया, बैंकेट हॉल, इंडोर थिएटर एक्सेट्रा. उसके साथ साथ पार्क एरियाज भी यहाँ पर डेवलप करके आपको दिए जाएंगे. किड्स प्ले एरियाज इंक्लूडेड रहेंगे, क्रिकेट पिच आपके रहेंगे, टेनिस एरिया रहेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट रहेंगे. सो सभी आपको यहाँ पर इंडोर गेम्स भी मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका 24/7 वाटर सप्लाई रहेगी, पावर बैकअप आपको दिया जा रहा है. उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फ्लोर्स की बात करें तो फ्लोर्स आपको फिनिश्ड सेमी फर्निश्ड कंडीशन में दिए जाएंगे, जिसमें आपका वार्डरोब कंप्लीट करके आपको दी जाएंगी, वुडन वर्क आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, इंटीरियर आपका इंक्लूडेड रहेगा. उसके साथ साथ आपको लाइट्स की भी फिटिंग्स कंप्लीट मिलेंगी. सो गाइज, दैट वॉज अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. अब मैं आपको यहाँ का सैम्पल टूर कराती हूँ. सो गाइज, दिस इज अ 179 स्क्वायर यार्ड, विच इज 1665 स्क्वायर फीट लग्जरी फ्लोर. दिस इज अ 3 BHK फ्लोर. एंड यहाँ पर आ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस. मेन डोर पर आपको मिल जाता है स्मार्ट लॉक डोर फीचर. एंड एज यू एंटर आप आ जाते हैं यहाँ के लिविंग कम ड्राइंग एरिया में. सो दिस इंटायर स्पेस इज योर लिविंग स्पेस. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस फ्लैट में आपको सारा इंटीरियर कंप्लीट करके दिया जाएगा, एक्सेप्ट द मूवेबल आइटम्स. बाकी सारी चीजें आपकी सेम एज इट इज रहेंगी.
सो लाइक आई वॉज टेलिंग यू, ये रहेगा आपका ड्रॉइंग स्पेस। यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। बालकनी आपकी रनिंग बालकनी रहेगी, जो कि मैं आपको फर्दर दूसरे पार्ट से दिखाऊंगी। पीछे आप देख सकते हैं POP, पूरा आपको यहाँ पर काम ये कंप्लीट करके दिया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका LED का कंसोल, विच इज ऑल्सो कंप्लीट एंड ये आपको सेम एज इट इज दिया जाएगा। सो दैट वॉज द ड्रॉइंग स्पेस एंड हियर कम्स द डाइनिंग स्पेस ऑफ योर लग्जरी फ्लोर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन आपको काफी स्पेशियस यहाँ पर डाइनिंग स्पेस भी मिल जाता है, साथ ही साथ डाइनिंग में ही आपका पूजा स्पेस भी रहेगा। ये सिर्फ स्पेस नहीं है, आपको पूरा पूजा आपको डिज़ाइन करके दिया जा रहा है। सो यहाँ पर आप अपने भगवान जी रख सकते हैं एंड ये आपका प्रेइंग एरिया रहेगा। सो गाइज दैट वॉज दी लिविंग डाइनिंग एंड पूजा स्पेस। इस एरिया में हम अगर थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी मॉड्यूलर किचन एंड किचन आपकी सेम एज इट इज रहेगी। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ आपके इंक्लूडेड रहेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर रहेगा आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस। उसके नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आपका रहेगा पैंट्री एरिया, जिसके अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। फर्दर यहाँ पर ड्राई एरिया एंड वेट एरिया को सेपरेट किया हुआ है, ये आपका रहेगा वेट एरिया एंड यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, जिसमें आपके दो सिंक रहेंगे एंड हियर इज द ड्राई एरिया विच विल इंक्लूड चिमनी एंड हॉब, प्लस आप सारे कैबिनेट्स भी देख सकते हैं। देर आर सफिशेंट कैबिनेट्स फॉर ऑल योर आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स। प्लस यहाँ पर आपको किचन के साथ साथ बालकनी का भी एक्सेस मिल जाता है। सो दिस इज योर रनिंग बालकनी, जो मैंने आपको लिविंग एरिया के साथ भी बताई थी। ये आपकी 30 feet लॉन्ग बालकनी रहेगी एंड 5 feet वाइड बालकनी रहेगी एंड यहीं से हम अपने बेडरूम नंबर 1 में भी चलेंगे, विच इज हियर। सो गाइज दिस इज योर बेडरूम नंबर 1 विच कम्स विद द इंटीरियर। आपका ये बेड इंक्लूडेड नहीं रहेगा बट इंटीरियर सेम रहेगा। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये रहेगा आपका TV का कंसोल, जो कि आपको इस तरीके से डिजाइन करके दिया जाएगा। वुडन वर्क कंप्लीट आपके रहेंगे। विद दैट आपको यहाँ पर फ्लोर्स में फॉल सीलिंग कंप्लीट मिलेगी, सीलिंग लाइट्स एंड सीलिंग फैंस के साथ। साथ ही साथ पूरे रूम्स में आपको वुडन वर्क कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपकी वार्डरोब्स इंक्लूडेड रहेंगी एंड हियर इज द वार्डरोब एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो वार्डरोब्स दी जा रही हैं, फुल वॉल लेंथ आपकी वार्डरोब रहेंगी। And with that comes the attached washroom. Washroom is quite good in size. यहाँ पर आपका वैनिटी एरिया आ जाता है। वॉशरूम में आपकी जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी, जिसमें आपका मिरर इंक्लूडेड रहेगा, वैनिटी इज इंक्लूडेड एंड हियर इज द एग्जॉस्ट फैन। साथ ही साथ यहाँ पर आपका गीजर भी आपको फिट करके दिया जाएगा। So guys, this area comes in the size of 11x12 square feet and let's move forward to our other bedrooms. तो यहाँ पर आपके रहेंगे remaining 2 bedrooms. Let's get inside this one first. So here comes your second bedroom, which is quite spacious in size. And again आपको यहाँ पर भी फॉल सीलिंग, सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा आपका वार्डरोब, जो कि आपको फुल वॉल लेंथ वार्डरोब आपको कंप्लीट कंडीशन में यहाँ पर दिया जाएगा। Here comes the console and this is your attached washroom, जो कि आपको पूरी complete condition में deliver की जाएगी। Plus इस bedroom में आपको balcony भी attached मिल जाती है। Balcony में आपको bedroom number 3 से दिखाऊंगी। And this is your third and last bedroom of this luxury floor. ये बेडरूम आ जाता है आपका 13x13 स्क्वायर फीट के साइज में, विच इज क्वाइट स्पेशियस एंड यहाँ पर भी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, इट इज जस्ट ब्यूटिफुल। यहाँ पर भी आपका कंसोल इंक्लूडेड रहेगा, सीलिंग फैन एंड लाइट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। प्लस हियर इज द ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आपको वार्डरोब्स फिट किए हुए मिल जाते हैं। वार्डरोब्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आपको लाइट्स भी फिटेड मिल जाती हैं। एरिया के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगी आपकी अटैच्ड वॉशरूम
वॉशरूम में आप देख सकते हैं शार एरिया सेपरेट किया हुआ है विद दिस ग्लास पार्टीशन एंड यहाँ पर भी आपको वैनिटी कंप्लीट मिलेगी। ये आपकी बैक साइड की बालकनी रहेगी जो कि आपकी बेडरूम नंबर 2 और 3 के साथ कनेक्टेड रहेगी। 6 feet वाइड आपको यहाँ पर ये बालकनी मिल जाती है जिसे कि आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज प्रोजेक्ट अशोका एस्टेट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा टू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये सैम्पल कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, लेट मी रिमाइंड यू अगैन, ये आपका न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है जिसके साथ आपको मिलेंगे कई सारे बेनिफिट्स। यस, अगर आप यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो आपको कई सारे यहाँ पर इनॉग्रल डिस्काउंट्स मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर 2 months के बाद, 2 महीने के बाद प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो आपको ये इनॉग्रल डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। इस पूरे रोड में, इस पूरे एरिया में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको इतने अच्छे प्राइसेस में कहीं और नहीं मिलेगी। प्राइसेस अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट आई प्रॉमिस बेस्ट प्राइसेस आपको मिल रहे हैं बेस्ट लोकेशन में। पेमेंट प्लान भी आपका काफी इंटरेस्टिंग है। 30-70 आपका पेमेंट प्लान रहेगा एंड 70% आपकी जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगी वो आपको रजिस्ट्री पे करनी है। यस, आपको ओसी रिसीव होने पर नहीं बल्कि डायरेक्टली आपको रजिस्ट्री पर ही आपको रिमेनिंग अपनी पेमेंट करनी है। सो काफी अच्छा आपको यहाँ पर पेमेंट प्लान मिल रहा है। नियर बाय एरिया की भी हम बात करें तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट एरिया, सारी चीजें डेवलप्ड मिल रही हैं, ऑपरेशनल मिल रही हैं, स्कूल्स भी आपके नियर बाय रहेंगे। सो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है एंड काफी अच्छे साइज में यहाँ पर आपको ये फ्लोर मिल रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार आकर इसको विजिट जरूर करें एंड इनॉग्रल डिस्काउंट्स का बेनिफिट उठाएं। जो लोग इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं एंड एक अच्छा अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक करते हैं तो आपको विद इन 6 months यहां पर 20-30% अप्रिसिएशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट 2 months की भी बात करती हूँ एंड आप यहाँ पर इनॉग्रल डिस्काउंट पर अभी प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो विद इन 2 months यहाँ पर आप 20 lakhs, एटलीस्ट 20 lakhs का अप्रिसिएशन देख पाएंगे। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्लिक ऑन रियलिटी फॉर मोर सच वीडियोज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you.